हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज फिर से हाजिर है भाई एक नया ब्लॉग लेकर। आज आप सोच रहे होंगे कहाँ ये जंगल में बैठा है भाई। आज हम जा रहे हैं काली माता का मंदिर, वैसे उसको देवी माता बोलते हैं। ये धमांदरी के पास पड़ता है। अभी हम वहीं पे जा रहे हैं, बस थोड़ी दूरी है। तो भाई मैं मम्मी अपनी और पापा साइड हो साइड। उसकी मम्मी आ रहे हैं। तो भाई अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं, लोग माथा टेक के आ रहे हैं, तो मिलते हैं वहाँ पर आपको फिर। माता देवी के मंदिर, तो धूप बहुत ज़्यादा निकल गई है। अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं, बहुत ही सुंदर व्यू है भाई। ये आप देख सकते हो चारों तरफ पहाड़ है। अभी आपको मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ, वह सामने देवी माता का मंदिर, देवी माता देवी का मंदिर। भी आप देख सकते हैं, इधर सामने दुकान लगी है। आजा जी, इधर सामने बाल बीच ले ली। आजा आजा बाल बीच ले ली। तो चल ये भी आप, आस पास पहाड़ है, काफी सुंदर व्यू। काफ़ी टाइम बाद आया इधर से, काफ़ी टाइम बाद आया मैं इधर। बहुत ही सुंदर नज़ारा भाई। तो भी अभी हम मंदिर जा रहे हैं। सो भाई फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच रहे हैं मंदिर में। अभी हम माथा वगैरह टेक के आए हैं, तो बाकी अभी आपको दिखाता हूँ पूरा मंदिर। सोचा पहले माथा टेक लेते फिर आपको मंदिर दिखाएंगे। तो अभी आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। अभी आप देख सकते हैं ये सामने का दृश्य है भाई, बहुत ही सुंदर मंदिर है ये भाई। अभी मैंने माथा वगैरह तो टेक लिया है, अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर, आपको मंदिर की सैर करवाता हूँ। तो आइए भाई मेरे साथ, अभी आपको ले चलते हैं देवी माता के मंदिर में। बहुत ही सुंदर है भाई, हर तरफ संगमर, सॉरी, हर तरफ संगमरमर लगा हुआ है। और ये सामने संगत बैठी हुई है, अक्सर यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, पर आज कुछ कम है। ज़्यादा भीड़ ज़्यादा उस संडे को होती है, या फिर होती है भी मंगलवार को। तो आइए मंदिर के अंदर चलते हैं। ये सामने पुजारी और उसके साथ एक लड़का बैठा है। पहले मैंने इनसे पूछा भाई वीडियो बना ले, तो कहते भाई बना ले। तो भाई मैं अंदर आ गया, लोग जहाँ आ रहे थे भाई थोड़े थोड़े करके माथा टेक रहे थे। तो बाकी भी बहुत ही अच्छा मंदिर है जी। अभी मैं बाहर की तरफ चलता हूँ, तो अभी मैं बाहर जा रहा हूँ भाई। एक फेरी ले लेते हैं अभी मंदिर की, अगर आए हैं तो भाई एक फेरी तो बनती है।
तो भाई ये है बैक साइड, हर तरफ जंगल है भाई, जहाँ पर बहुत ही अच्छा व्यू आता है यहाँ पर। अभी भाई फेरी पूरी कर लेते हैं, और जहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं, अवनी भी उनके साथ घेर रही है। लो भाई अपनी एक फेरी तो हो गई पूरी, अभी सामने चलते हैं। वहाँ भगवान शिव का मंदिर है, और ये सामने नंदी महाराज विराजमान, और ये आसपास का व्यू सामने आप देख सकते हो, पहाड़ियाँ है। तो भाई साथ में एक जो है छोटी सी दुकान पीपल के नीचे, ये है भगवान शिव का मंदिर। अभी मैं अंदर जा रहा हूँ। जय भोलेनाथ। ये है भाई भोलेनाथ बैठे है वो माता पार्वती के साथ। जय भोले। बाकी भाई अपने भी थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं। अभी आपको दोबारा बैक कैमरे से दिखाता हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ बाहर। बाकी जो बच्चे बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं, अवनी भी उनके साथ खेल रही है। तो भाई हर तरफ संगमरमर लगा हुआ है। जो सामने भी एक छोटा सा मंदिर है भाई, पता नहीं ये बाबा बालकनाथ जी का है या फिर किसी और का, ये नहीं पता भाई मेरे को। जो सामने बैठी है औरतें, साथ में रेनू मेरी धर्म पत्नी। बाकी जे भाई बहुत ही अद्भुत नज़ारा अभी आप देख सकते हो। सामने भाई जे हलवाई रोटी वगैरह बना रहे हैं, रोज भी भंडारा होता है जहाँ पर। जे आसपास जंगल, वाकई भी आप देख सकते हो हर तरफ हरियाली हरियाली, बहुत अच्छा व्यू है भाई। अगर उन्ना जिले के हो आप तो भाई जरूर आना देवी माता के मंदिर में, बहुत ही अच्छा मंदिर है भाई, जहाँ पर आके एक अलग ही सुकून मिलता है। आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, पर जो सुकून आपको मंदिर जा मस्जिद जा गुरुद्वारा में, आप चले जाओ कहीं भी जाओ, बहुत अच्छा सुकून मिलता है। बाकी इधर हम थोड़ी देर के लिए बैठे थे। कैसा लगा आपको देवी माता का मंदिर? अपनी राय जरूर दे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर चैनल पे नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो भाई ये था हिमाचल के ऊना में बसा धमांदरी के नज़दीक है ये मंदिर, माता देवी का मंदिर। देवी माता बोल लो या बोलो आप काली माता, एक ही बात है। तो भाई यहाँ पर बहुत ही अच्छा नज़ारा है, तो आप ज़रूर आइएगा हिमाचल के, डिस्ट्रिक्ट ऊना में पड़ता है जी, गाँव दवांदरी के नज़दीक। तो वही पहाड़ भी, हर तरफ पहाड़ है। ये आप देख सकते हो, रेनू और अवनी भाई वो बैठे हैं मंदिर में ही। मैंने सोचा चलो ब्लॉग एंड करते हैं, तो भाई ऐसी जगह से जाने का मन नहीं करता वैसे,
सो भाई गाइस, घर को तो वैसे जाना ही पड़ेगा। जी देखिए, पेड़ बहुत अच्छा बना है जी, त्रिकोणकार का। तो भाई ज़्यादा वक्त ना लेते हुए गाइस, करते हैं ब्लॉग का एंड। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, अपने भाई को सपोर्ट ज़रूर करें ताकि हमारा चैनल जल्द से जल्द ग्रो हो। आप लोगों की सपोर्ट की सबसे ज़रूरत है भाई हमें, तो हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाएं, हर सोशल मीडिया के ऊपर हमारी वीडियो शेयर करो। तो भाई करते हैं ब्लॉग का एंड, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।